हे गाइस, वेलकम बैक टू द होमस्टेड। आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी के सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात हम सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते और सोते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि उस समय के लोग अपनी रूटीन को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं वॉच के इन्वेंशन के बारे में। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। प्राचीन समय में धूप की वजह से किसी पेड़ या वस्तु की छाया के द्वारा समय का अनुमान लगाया जाता था। प्राचीन काल से ऐसी धूप घड़ियां प्रचलन होती आई है। लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन यूनान में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां बनी थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ और निश्चित समय के बाद घंटी बजती थी। सबसे पहली घड़ी वर्ष 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के अंत में होने लगा था। वर्ष 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के क्लटर में और वर्ष 1326 में सेंट अलम्बास में घड़िया लगाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1348 में डोवर कैसल में लगाई गई घड़ी 528 साल बाद वर्ष 1876 में साइंस एग्जीबिशन में डिस्प्ले की गई उस समय भी काम कर रही थी। वर्ष 1300 में हेनरी डी विक ने साइकिल अंकों के और हॉर इंडिकेटर सुई मेकर पहली घड़ी बनाई थी। इस घड़ी में वर्ष 1700 तक मिनट व सेकेंड की सुइयां और दोलक भी लगाया गए थे। साल 1577 में स्विट्जरलैंड के जोसबर्ग ने घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार अपने एक एस्ट्रोनोमर फ्रेंड के लिए किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरनबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने इसी तरह की घड़ी बना ली थी, जिसे एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया सकता था। वर्ष 1650 के आसपास लोग घड़ी को जेब में रखकर घूमने लगे थे, जिसे पॉकेट वॉच कहते थे। यूं तो आज के समय में लड़का लड़की कोई भी घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन इसकी खोज असल में महिलाओं के लिए हुई थी। वॉच दरअसल वुमन्स का फैशन था। कलाई वाली घड़ी को खास तौर से केवल नेपोलियन बोनापार्ट की छोटी बहन के लिए बनाया गया था। 1867 में पाटेक फिलिपी नामक एक स्विस घड़ी बनाने वाले ने नेपोलियन की बहन के लिए उस घड़ी की को बनाया था। माना जाता है कि यह पहली ऐसी घड़ी थी जिसे खास हाथ पर पहनने के लिए डिजाइन किया गया था। हाथ में पहली घड़ी पहनने वाले आदमी फ्रांसीसी और मैथमेटिशियन और फिलोसॉफिकल ब्लेज पास्कल थे। ब्लेज पास्कल ने रस्सी से घड़ी को अपने हथेली पे बांध लिया था, जिसे वो काम के समय भी घड़ी को देख सकते थे। दोस्तों, उस समय तो लोगों ने पास्कल का मजाक उड़ाया और आज वही बात हकीकत बन गई है। पहली स्मार्ट वॉच 1972 में बनी थी, जो पल्सर हैमिल्टन ने वॉच कंपनी ने बनाई थी। इसके बाद पल्सर एक ब्रांड नाम बन गया, जिसके बाद इस सिकोइन ने 1978 में एक्वायर कर लिया गया। समय के साथ साथ तो हर कोई बदलता है, पर किसको क्या पता था कि सबको समय दिखाने वाली घड़ी भी इतना बदल जाएगी। अभी तक तो स्मार्ट वॉच और डिजिटल वॉच ने पूरी तरह से मार्केट में अपना नाम नहीं किया, लेकिन क्या पता आने वाले वक्त में आपको घड़ी की सुइयां दिखाई भी देगी या नहीं। वॉच के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो रोलेक्स ब्रांड हर दिन 2000 वॉच बनाता है। नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी घड़ी अमरीकी एक्टर पॉल न्यूमैन की है रोलेक्स है, जो 17.8 बिलियन में बेची गई थी। इसकी बिक्री के समय इसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक स्विस वॉचमेकर फोर्टिस रूसी अंतरिक्ष अभियानों के लिए ऑफिशियल रिस्ट वॉच सप्लायर है। यह मंगल पर पहले मानवयुक्त मिशन के लिए भी घड़ी प्रोवाइड करेगा। स्विट्जरलैंड की बनी वॉच बहुत ही अच्छी मानी जाती है और यहाँ से वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी वॉच इंडस्ट्रीज में स्पेयर पार्ट का एक्सपोर्ट होता है। इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी वॉच 203 करोड़ रुपए की है, जिसे 1783 में फ्रांस की रानी मेरी एंटिनो के लिए उनके प्रेमी काउंट हंस एक्सल वॉन फंस ने बनवाया था। खास बात यह है कि मेरी एंटिनो के मरने के 34 साल बाद तक भी ये वॉच नहीं बन पाई थी। इस वॉच को बनाने में 44 साल का समय लगा। ये वॉच 1827 में बनके तैयार हो पाई और इस वॉच के बॉक्स को द क्वीन नाम दिया गया। दुनिया की सबसे पहली रेत घड़ी मिस्र वासियों ने बनाई थी। वो दो खानों में रेत भर के टाइम का पता लगाया करते थे।
दोस्तों आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही, और मुझे ऊपर दिए गए पोल में और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी वॉच पहनना पसंद करते हैं, एक डिजिटल स्मार्ट वॉच या फिर एक क्लासिक वॉच। और आज के इन्वेंशन में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के इन्वेंशन की वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।